Hi, this is Max from Sandcrafts. मैं मैंने पूरा जो भी प्रोजेक्ट्स बनाया था वो स्क्वायर में बनाया था और जुलाई के महीने में जो भी प्रोजेक्ट्स आएगा मेरी तरफ से वो ये बैग रहेगा बैग शेप में। अभी देखो ये वाला जो मैंने बैग बनाया है ये आपको दिखा देती हूँ। देखो दिस इज मेजरमेंट्स सबका ये वीक में ये महीने में जो भी बैग्स आएंगे मेजरमेंट ज़्यादा करके सेम रहेगा जैसा बैग बनाने का मगर अलग अलग डिज़ाइन में आएगा। तो ये है जैसा मैंने बनाया था तो इसको मैंने एक कवरिंग बनाया है जैसा कवर बनाया है तो ये आपको अंदर डाल के ये ऐसा बंद किया जाता है। तो इसको कैसा बनाते हैं मैं आपको बता देने वाली हूँ। इसको साइड पर रखेंगे तो मैंने ये टाइम स्काई ब्लू पेपर लिया है और एक डीएसपी डिज़ाइनर पेपर भी ब्लू डॉट्स का लिया है पोल्का डॉट्स का और उसके ऊपर मैं इसके ऊपर मैंने कुछ भी नहीं डाला है मगर इसके ऊपर मैं ब्लू कलर का रिबन बांध के उसके ऊपर ये हलो करके एक सेंटीमेंट्स और ये मैंने जो पंच किया है मैं आपको बता देती हूँ। ये जो मैंने पंच किया है इसको मैंने सर्कल पंच यूज़ किया है और ये जो है स्कैलप पंच तो मैंने स्कैलप पंच का 3 किया है फिर उसको 3 इसके ब्लू के 2 और एक पोल्का डॉट्स का और मैंने पीछे से ऐसा स्टिक किया है तो इसको मैं रिबन पे लगा दूँगी। इसको मैंने बॉर्डर खाली ग्लिटर पेन से थोड़ा स्टिच का जैसा मारा है और इसको मैंने स्टैम्प किया है ब्लैक स्टैम्प से और मैंने यूज़ किया है हलो मेरे जो सेंटिमेंट्स हैं उसमें से मैंने हलो लेके इसको मैंने स्टैम्प किया है। तो अभी इसके ऊपर मैं सोच रही कि खाली लग रहा है तो मैं उसके ऊपर एक डॉट जो मेरे पास है तो वही डॉट मैं यहाँ पे लगा देगी ये ऐसा ये देखो ऐसा ये डॉट मैं इसके ऊपर लगा दी। तो हम लोग अभी वो ये बनाने के लिए चालू करेंगे। बैग कैसा बनाते हैं इसको साइड पर रख के बैग कैसा बनाते हैं वो मैं चालू करूँगी। तो इसकी हम लोग की पहली ज़रूरत नहीं है दिस इज़ व्हाट वी नीड फीस। पहला हम लोग जो अंदर का जो टेंट है वो तैयार करेंगे। इस ये पेपर का है पेपर का जो कार्ड स्टॉक लिया है 11 inches by 6 inches और मैंने 3.5, 5.5, 8 3/4 and 10.5 को स्कोर किया है। फिर जो मैंने एक छोटा सा मार्क किया इधर इसके बीच में जैसा मैंने इनको दोनों को ऐसा लेके तो इसको मार्किंग किया है मैंने और फिर वहाँ से ऐसा रेक्टेंगल मेरे इससे रेक्टेंगल रूलर से रेक्टेंगल मैंने ट्रायंगल मैंने ये किया है। इधर मैंने सेलो टेप लगाया है स्टिकी स्टेप तो ये निकाल देने का खाली आप फेविकॉल भी लगा सकते हैं और इसको ये ऐसा ये हो गया। फिर इसका बॉक्स बनाने का है तो हमारा पीछे का साइड ये है तो ये इस तरफ आएगा तो मैं इसको ग्लू लगा देती हूँ। मैं यहाँ पे मैं फेविकॉल यूज़ करती हूँ तो आई विल जस्ट पुट अ लिटिल बिट ऑफ फेविकॉल और इसको ये इस तरह तो ये हमारा बैक पोर्शन है ये बैक है तो इसको
हुआ और ये स्टिक 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 करने के बाद इसको थोड़ा प्रेस कर सकते हैं तो अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। और जो आपने मार्किंग किया है उसको साथ बेंड करने का है तो ये आराम से बेंड हो जाता है। तो ये आपका बेंड हो गया। नाउ इसके बाद आप क्या करना है, ये जो डीएसपी है उसको मैंने स्कोरिंग कुछ भी नहीं किया है, मैं सिर्फ उसको अभी लाइन से ऐसा करने वाली हूँ। तो उसको नीचे से चालू करेंगे ये ऐसा और ये इस तरह से और लाइन करके अच्छी तरह से इसको खाली मैं पिंच करती हूँ तो मुझे ये मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर ये है करके। और इसको ये इस तरह से नीचे जाके दूसरी साइड से और दूसरी साइड से ये ऐसा। तो ये होने के बाद ये आप करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कहाँ पे स्टिक करना है। तो आप यहाँ पे ग्लू लगा दीजिए तो ये स्टिक हो जाएगा ये ऐसा। ये हो गया स्टिक तो ये उसका कवरिंग हो गया। तो उसका ये आपके अंदर और ये उसका कवरिंग हो गया तो ये अच्छी तरह से बैठ जाएगा। आपको चाहिए तो ये आप इसको ये भी कर सकते हैं जैसा शार्पन करने का है तो इसको आप निकाल के अच्छी तरह से ये डिज़ाइनर पेपर है तो इसको ज़्यादा ये करने की प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो दिस इज़ ये आपका ये स्लीव हो गया इसका। ये देखो ये हुआ। अभी इसको हम ये करें थोड़ा इसको अच्छी तरह से और करेंगे तो मैंने जो मैंने आपको रिबन बताया था वो रिबन मैं अभी बांध देगी। तो ये रिबन आपको स्लीव के ये कवर के ऊपर लगाना है तो इसका प्रॉब्लम नहीं है तो क्योंकि वो निकलेगा नहीं तो ये यहाँ पे आप बांध सकते हैं। तो यू कैन मेक इट ये इस तरह ये ऐसा। और इसको एक नॉट बांध दीजिए ऐसा। तो बो बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है तो आप सिर्फ नॉट बांध सकते हैं। तो ये नॉट यहाँ तो आप ये स्लीव के साथ ही रहेगा और इसको अभी छोटा जरा कर देंगे ऐसा। तो ये आपका नॉट हो गया। अभी इसको हम लोग ने जो किया था ये जो किया था वो हम इसके ऊपर ऐसा लगा देंगे। तो इसको पीछे गम लगा देती हूँ। आप रिबन आप इसके ऊपर भी एक स्टिकी स्टेप या डबल साइडेड टेप है वो भी लगा सकते हैं। ये हुआ गम है तो इसको ज़रा सूखने के लिए ज़रा टाइम लगता है सो यू कैन कीप इट थोड़ा। एंड पीछे मैंने इसका डबल साइडेड टेप लगाया है तो ये भी आप ये इसके ऊपर ऐसा लो इस तरह। ये देखो
तो ये जो है ये स्लीव के साथ ही आपका ये निकलेगा, तो इसको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती जैसा आपको दूसरे बैग्स में इसको खोलना पड़ता है फिर अंदर कुछ तो भी डालना पड़ता है, तो वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये आपको ऐसे ही स्लीव के साथ ही खोलना पड़ेगा, जैसा आप इसको बैग को आराम के साथ बाहर निकाल सकते हैं। आपको जो भी डालना है इसके अंदर आप ब्रेसलेट डाल सकते हैं, ब्रेसलेट का या तो बैंगल डाल सकते हैं या किसी को नेकलेस जो इमिटेशन नेकलेस जो मिलते हैं आजकल बाज़ार में, तो वो आप एक शीट पे जैसा कोई भी शीट लो और मैं आपको बता देती हूँ ऐसा जैसा पेपर है आप उतना काट सकते हैं और उसको एक होल पंच करके उसको रिबन के साथ ऐसा अटैच करके इसके अंदर डाल सकते हैं, तो वो जब निकालेंगे तो भी वो बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंटेबल रहेगा, एक रिबन बांध के अंदर आप रख सकते हैं। तो ये हुआ आज का प्रोजेक्ट, ये था आज का प्रोजेक्ट। इसको मैंने ऐसा टेंट के जैसा दिखता है जैसा टेंट शेप में, तो मैंने टेंट का गिफ्ट बैग इसको नाम दिया है। होप यू लाइक्ड इट। और अगर आपको इसको टैम्पलेट चाहिए तो मैंने ये सब काट करके मैं आपको दे सकती हूँ। मुझे आपका मेलिंग एड्रेस भेज दीजिए एंड इट इज़ वेरी इजी बनाने के लिए और वेरी चीप। आप इसको 12 रुपीज़ में ये पूरा आपको सामान आ जाता है और आप एक अच्छी तरह से बैग का गिफ्ट करके आप दे सकते हैं। तो सी यू सून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।